नमस्कार, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुनानगर के सनातन धर्म मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो है एक स्वैच्छित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें, दिवंगत आत्मा शकुंतला के रूप में इसका शुभारंभ किया गया है। पिछले साल इसमें 100 से ज़्यादा यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था और इस बार 250 से ज़्यादा यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल शक्ति इंजीनियरिंग वर्ग की शकुंतला जो कि अब गोलोक पधार चुकी हैं, उनके लिए ये रक्तदान शिविर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी याद में उनकी पुत्र और उनकी कंपनी के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जानकारी के मुताबिक आप सभी को बता दें कि सिविल अस्पताल यमुनानगर के सानिध्य में इसका आयोजन किया गया है और आयोजन करने के साथ साथ इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे के साथ बांट लिया है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य लगभग 250 यूनिट का रखा गया है, जिसमें सिविल अस्पताल यमुनानगर की टीम के साथ मिलकर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस समय जो है थैलेसीमिया के बच्चों को रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है और कई व्यक्तियों को रक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि कई व्यक्ति जो है इस समय कतराते हैं। वहीं चिकनगुनिया की बात की जाए और भी तमाम डेंगू की बात की जाए, प्लेटलेट्स की बात की जाए, तो तमाम लोगों को इस समय रक्त की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिसके चलते रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती। तो समय समय पर इस प्रकार के मेडिकल कैंप लगाकर रक्त की पूर्ति की जाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं करती रहती है। इसमें स्माइल फाउंडेशन की बात की जाए तो स्माइल फाउंडेशन के सानिध्य में बड़ी ही अच्छे तरीके से इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे, शेयर जरूर करें। और कैंप में भाग लेने के साथ साथ कई सौ यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य भी पूरा किया गया, जिसमें सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह की बात की जाए या फिर ब्लड बैंक की डॉक्टर की बात की जाए, तो सब ने मिलजुल कर पार्ट लिया। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए यूट्यूब का चैनल IBN24 सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।